दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड टी प्वाइंट स्थित एक आभूषण दुकानदार से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। एएसपी दीक्षा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 फरवरी को अपराधी ने व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की थी। बेऊर जेल में बंद रवि गोप के नाम पर 2 लाख रुपए की ये रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने गोसाई टोला निवासी देव कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस के साथ साथ घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उसका आपराधिक इतिहास है, वो पहले भी आर्म्स एक्ट और लूट मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 25 फरवरी को दानापुर में गोला रोड पे जो एक हरे कृष्णा ज्वेलर्स है, उनको 2 लाख रुपए का रंगदारी का एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आया था एक वर्चुअल नंबर के माध्यम से, जिस पर दानापुर में थाना में कांड संख्या 195/24 दर्ज कर लिया गया था। इसी कांड के अनुसंधान में तकनीकी सहयोग के माध्यम से रंगदारी मांगने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उस अभियुक्त के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 10 ग्राम स्मैक और घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल बरामद हुआ है। जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है, यह रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहा था अपने मोबाइल के माध्यम से, और इसके अन्य सहयोगियों के बारे में इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया, जिन पर घर ही से उसके जो है छापामारी की गई थी। अभियुक्त का नाम देव कुमार है, उस देव सिंह यही गोसाई टोला सुल्तानपुर का है। इसका आपराधिक इतिहास है, पहले भी 2 कांडों में ये जेल जा चुका है, जिसमें आर्म्स एक्ट के केसेस और लूट का केस है। रंगदारी मांगने का क्या कारण? वो अपना कोशिश कर रहा था कुछ नया शुरू करने का, रंगदारी मांगने से कुछ पुराना आपसी विवाद भी था क्या? नहीं, रवि गोप के नाम पे रंगदारी मांगने का, वो उसको अपना कुछ नया स्टाइल उसने अपनाया था क्राइम करने के लिए। क्या सच्चाई है जेल से जो बेऊर जेल की बात आ रही है? ये सब अनुसंधान अंतर्गत है, वो भी जानकारी दी।